कुंडली के कुछ योग जो राजा को भी रंक बना दे, जो आम कारोबारी को या आम व्यवसायी को जिसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, जिसके जीवन में कुशलता है, जिसके जीवन में तरक्की चल रही है, उसको अचानक से ज़मीन पर गिरा दे। तो ऐसे योग नहीं, दुर्योगों के बारे में आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे योगों की जो ऊंचाई से नीचे फर्श पर गिरा दे। ऐसे योग, इनको योग कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए इनको दुर्योग कह सकते हैं। तो इनमें आता है एक प्रमुख योग जिसे हम कहते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जो है वो चंद्र ग्रह के प्रभाव से बनता है। चंद्रमा इस सृष्टि का आधार है, चंद्रमा मानव जीवन में मन है, चंद्रमा समंद्र की गहराई है, चंद्रमा हमारी नींद है, चंद्रमा हमारी माँ है, जिसके बिना इस ब्रह्मांड का और इस मानव जीवन का संतुलन नहीं हो पाता। तो मन की परेशानी, मन की कार्यकुशलता किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान या एक माइलस्टोन बन सकती है। तो चंद्रमा के योग से, चंद्रमा के प्रभाव से आपकी जन्म कुंडली में यदि केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही परेशानी भरा और हानि देने वाला हो सकता है। बात करें केमद्रुम योग की, तो ये बनता कैसे है और यदि ये बन जाता है तो इसके प्रभाव और लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, सब आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। चैनल चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये विषय, ये जानकारी ज्योतिष के माध्यम से बहुत इम्पॉर्टेंट, और कोई नहीं ऐसी जानकारी आपको देने वाला है, क्योंकि ज्योतिष गण ऐसी जानकारी देने से इसलिए बचते हैं ताकि इसके प्रभाव से जब आपके जीवन को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए तो आप आश्चर्यचकित रहें। भी ज्योतिष का इतना विशाल रूप भी है जो आपके जीवन के बारे में 0 से लेकर 100 तक आपको बता सकता है। तो केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जो चलते हुए व्यापार को ज़मीन पर लाकर आपको कर्जों की श्रृंखला में इस तरह उलझाता है, आपका जीवन जो है वो परेशानी और दिक्कतों में बढ़ जाता है। केमद्रुम योग किसी भी व्यक्ति को सुसाइड करने या आत्महत्या करने पर प्रेरित करने वाला ऐसा योग बन सकता है। मन जो है वो समंदर जितना विशाल है, लेकिन मन में यदि पॉजिटिविटी या मन में यदि स्टेबिलिटी ना हो तो मन बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी दिखा सकता है। जिस प्रकार हर एक चीज़ का एक अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव होता है, उसी प्रकार चंद्रमा का अच्छा भी और बुरा प्रभाव भी है। तो बात करते हैं केमद्रुम योग बनता कैसे है। तो यदि आपकी जन्म पत्री के किसी भी भाव में चंद्रमा अकेला बैठा हो, उसके आगे या पिछले भाव में कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा जिस स्थान पर उपस्थित है उसके द्वितीय भाव और उसके द्वादश भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो आपकी जन्म पत्री में केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। और ये केमद्रुम योग जो है बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक किस प्रकार की परेशानियां देता है, उसका वर्णन भी आज इसी प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे। तो यदि केमद्रुम योग का निर्माण किसी बच्चे की जन्म पत्री पर होता है तो उसकी सेहत को बुरा प्रभाव, हर दूसरे दिन हॉस्पिटल, हर दूसरे दिन दिक्कत और परेशानी। यदि किसी नवजन्मे बच्चे से थोड़ी बड़े आयु की हो तो उसकी शिक्षा में दिक्कत, उसके स्वभाव में दिक्कत, उसमें ठहराव की कमी, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, भाग दौड़, टिकाऊपन में कमी और कहना ना मानने का कारण भी केमद्रुम योग हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें टीनएजर्स की, तो माँ बाप के कहने से बाहर जाना, छोटी छोटी बातों पे उलझना, बहसबाजी करना, मित्रों के साथ या लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, ये सारा भी केमद्रुम योग का कारण बन सकता है यदि आपके बच्चे की जन्मपत्री में केमद्रुम योग है।
इसके बाद यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आकर, तो ये केंद्रुम योग जो है मानसिक रूप से बेचैन और परेशान कर सकता है, जिससे जीवन में उलझनें बढ़ती हैं और निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, और गलत निर्णय बहुत प्रकार की जीवन में उलझनें पैदा करते हैं, मसलन काम का चुनाव, नौकरी का चुनाव या शादी संबंधित निर्णय लेना। इसके बाद यदि हम मिडल एज की बात करें, तो शादी के बाद के सुखों में कमी, मन बेचैन होना, गलत आदतों में पड़ जाना, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, ये भी केमद्रुम योग का प्रभाव हो सकता है। और बुढ़ापे में बच्चों की तरफ से वाद विवाद होना, स्वभाव में तिक्खापन या कुंठापन जो बच्चों के साथ व्यवहारिक रूप से निर्वाह करने में दिक्कत पैदा करता है, तो ये भी केमद्रुम योग का एक प्रभाव है। तो केमद्रुम योग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यदि आपकी जन्मपत्री में बन जाए तो परेशानी देने वाला, पूरे जीवन में उलझने पैदा करने वाला, इसके साथ साथ आपके जीवन की जो पॉजिटिविटी है उसको ख़त्म करने वाला और जीवन में बेहद निराशाजनक ऐसे प्रभावों को डालने वाला, जिससे हम पूरा जीवन उलझते और परेशान होते रहे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपकी जन्मपत्री में ऐसे योग हैं तो उसका उपाय भी, उसका निवारण भी इसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ आपके किस भाव में केमद्रुम योग का प्रभाव हो रहा है, उससे रिलेटेड जीवन में कैसे कष्ट आएंगे, उनकी भी हम बात आज इसी कार्यक्रम में करेंगे। तो यदि आपको भी लगता है ऐसे लक्षण, ऐसी बातें आपके जीवन में चल रही हैं जो हम इस लक्षणों से सिमिलर हैं, इस लक्षणों के समान हैं, तो आप अपनी जन्मपत्री को हमें दिखाकर और इस प्रोग्राम के में स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क करके अपने बारे में पूछ सकते हैं और इसके समाधान ले सकते हैं। तो केमद्रुम योग यदि आपकी जन्मपत्री में बन रहा है तो उसके उपायों के लिए जो आपको मुख्य उपाय करने हैं वो चंद्रमा के उपाय करने हैं। यदि ऐसी परेशानियां या ऐसे योग आपकी जन्मपत्री में आपको कष्ट दे रहे हैं तो उसमें पहला उपाय जो आपको करना है वो करना है, रात को मिट्टी के बर्तन में पानी सिर की तरफ रखना है बिना ढके, और सुबह छाया देखकर उस पानी में पौधों को डालना है। दूसरा उपाय जो आपने इस केमद्रुम योग से बचने के लिए करना है वो करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना या कच्चा दूध चढ़ाना। इसके साथ यदि केमद्रुम योग आपके जीवन में भी उलझने और परेशानियां पैदा कर रहा है तो शरीर पर चांदी धारण करने से भी केमद्रुम योग के प्रभाव में कमी आती है। इसके बाद यदि केमद्रुम योग आपके जीवन में नीरस पैदा कर रहा है, जीवन जीने की इच्छा को कम कर रहा है, तो चावल और दूध की खीर बनाकर यदि आप धर्म स्थान या गरीबों में बांटते हैं तो इससे भी केमद्रुम योग के प्रभाव में कमी आती है। बहुत ज़्यादा उलझने हैं, घर परिवार में कलह क्लेश का माहौल है, तो महामृत्युंजय का पाठ कराइए अपने घर में, और समंदर का जल लाकर उसका छिड़काव करें अपने घर में, इससे भी इस प्रकार के दोषों से या चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव संबंधित दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है। इन सब योगों के बाद यदि हम बात करें आगे आपकी जन्मपत्री के किस भाव में केमद्रुम योग निर्मित हो रहा है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको इस प्रकार दे रहे हैं। यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा लगन स्थान में स्थित है और द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम योग आपको सेहत संबंधित कष्ट देगा। चंद्रमा से जुड़ी नींद संबंधी दिक्कतें या आपके हृदय संबंधित रोग आपको दे सकता है, सावधान रहें, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी जन्मपत्री के माध्यम से उपाय बनते हैं उसको अपनी जन्मपत्री दिखाकर शीघ्र अतिशीघ्र करें, अन्यथा जीवन में शारीरिक कष्ट आपके जीवन को रोक सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित है और लगन भाव और तृतीय भाव में, पहले भाव और तीसरे भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो आपके परिवार में आपके साथ संबंधों को दिक्कत पैदा करने वाला ये केमद्रुम योग है, और जीवन में मेहनत के बाद धन संचय सेविंग नहीं होगी आपके पास, और ये जो है बरकत नहीं देने देता है, और ये एक लीकेज का काम करता है, जिस प्रकार पैसा आना और निकल जाना उसके बीच में सेविंग की कमी रहेगी। तीसरे भाव में चंद्रमा हो, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव यदि खाली हो, तो ये बना केमद्रुम योग
और आपके जीवन में ये भाइयों के साथ विवाद विवाद, प्रॉपर्टी संबंधित मैटर और किसी भी प्रकार की ऐसी उलझने जिससे आपका पैसा ब्लॉक हो जाए, ऐसे कष्ट और ऐसी परेशानियाँ ये केमद्रुम योग आपको देता है। चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो और तीसरे और पांचवा भाव खाली हो तो माता को कष्ट, माता को परेशानी, माता के जीवन में बहुत उथल पुथल और हलचल रहती है और आपकी ग्रस्त के सुखों को कमी करता है ये केमद्रुम योग। उपाय हम आपको बता चुके हैं किस प्रकार के उपाय आपने करने हैं, फिर भी किसी प्रकार की जानकारी या उपाय या अपनी जन्म पत्री दिखाने संबंधित आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करें, यदि आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव में केमद्रुम योग बन रहा हो तो जीवन में बहुत ही परेशानी है, जीवन में शिक्षा संबंधित परेशानी, प्रेम संबंधित परेशानी, संतान संबंधित परेशानी आपको देगा। और इसके बाद यदि हम छठे भाव में चंद्र स्थित और पांचवें और सातवें भाव में कोई ग्रह ना हो तो यहाँ बना केमद्रुम योग आपके जीवन में उलझने परेशानियाँ आपको देगा, कर्जे के रूप में, वाद विवाद के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में, छोटी छोटी उलझनों के रूप में। सातवें घर में बना केमद्रुम योग यानी चंद्रमा सप्तम में हो और आठवें और छठे भाव में कोई ग्रह ना हो तो आपकी लव मैरिज में तलाक संबंधित योग बनाता है। अगर तलाक ना हो तो सारी उम्र उलझने और दिक्कतें आपका पीछा नहीं छोड़ती। अष्टम भाव का चंद्रमा जो है वो जन्म के बाद 8 साल तक सेहत संबंधित कष्ट और हर 8वें साल पे अचानक विपत्ति, मुसीबत, एक्सीडेंट या इस प्रकार की ऐसी दिक्कतें देता है जिससे वो साल जीवन के लिए अभिशाप के समान हो जाता है। नवम भाव में बना केमद्रुम योग भाग्य पर ग्रहण लगा देता है, भाग्य को चमकने नहीं देता और जीवन में हमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। 10वें भाव में बना केमद्रुम योग कारोबार में उलझने, कारोबार में परेशानियाँ, सरकारी रुकावटें, सरकार की तरफ से तकलीफें हमें मिलती रहती हैं और निरंतर जीवन भर ये मिलती रहती है। इसका उपाय करने के लिए आप जन्मपत्री दिखाकर संपूर्ण विषय पर अपना उपाय ले सकते हैं। इसके बाद एकादश भाव की बात करें तो लाभ में कमी, छोटी छोटी चीज़ में निर्णय ना ले पाना मन बेचैन और परेशान करता है, एकादश भाव का बना केमद्रुम योग। 12वें भाव का बना केमद्रुम योग बाहर विदेश जाने में और विदेश से संबंधित इमिग्रेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में इतनी उलझने पैदा करता है, जीवन जो है हमारा वो कोर्ट कचहरी या सरकारी मुसीबतों के हवाले करना पड़ता है। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं केमद्रुम योग से बने ऐसे प्रभाव, लक्षण और इसके उपाय जो हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए, आगे इस कार्यक्रम में हम जो रोज़ की भांति आज का ईमेल लेंगे। आज का ईमेल हमें भेजा है श्वेता जैन जी ने, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1991, 10:20 सुबह के, और न्यू दिल्ली का इनका जन्म है। ये अपनी शादी और अपने क्लिनिक के बारे में पूछ रही हैं। शी इज़ ए डेंटिस्ट, डॉक्टर हैं ये, और ये नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं और शादी के क्या प्रभाव रहेंगे और कब होगी। श्वेता जी, शादी के योग आपके एक्टिव हैं, शादी में जो दिखते हैं वो आपके निर्णय पर मोहताज हैं, आपके निर्णय की वजह से वो लेट हो रही हैं। कुंडली में लव मैरिज का योग है, यदि ऐसी कोई प्रेम संबंधित उलझन या बात चल रही है तो विवाह संबंधित निर्णय लेने में शीघ्रता करें। और क्लिनिक के योग आपके क्लिनिक किसी सपोर्ट के साथ पार्टनरशिप या किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में देखें, क्योंकि इंडिविजुअल में दिक्कतें आएंगी, अकेले यदि आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, और ये भी आपका अप्रैल के बाद से पॉजिटिव रहेगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, अप्रैल अभी निर्णय लें और अप्रैल के बाद आपका क्लिनिक भी खुल जाएगा और इस साल में आपकी शादी का जो निर्णय है वो भी बन जाएगा। और इसके अलावा किसी किस्म की जानकारी चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें उपाय तो कोई खास नहीं बनता, लेकिन भाग्य को अच्छा करने के लिए आप शुक्रवार के दिन दही को शरीर पर मलकर उससे स्नान कर सकते हैं, इससे भाग्य साथ देगा। और शादी और क्लिनिक खोलने में जिस प्रकार की भी कोई रुकावट या अड़चने आ रही हैं तो वो आपकी हल होंगी और इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। तो आज हमने बात की है ऐसा योग जो राजा को भी रंक बना दे, जो आम इंसान को चलते कारोबार को रोक दे,
जो आपके जीवन में भूचाल मचा दे। यदि आपके जीवन में भी कुछ परेशानी या उलझने चल रही हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं अथवा फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी पत्री दिखा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में मंगल कामना और शुभता की प्रार्थना करते हुए कष्टों और परेशानियों से आपके जीवन को मुक्ति मिले, यही प्रार्थना करते हुए आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।